उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले और अपने आप को बीजेपी नेता बताने वाले युवक को पुलिस ने क्रिकेट मैच का सट्टा खेलते गिरफ्तार किया है। क्रिकेट मैच का सट्टा चला रहा था। उक्त युवक के पास से करीब 10 लाख रुपए नकद और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब मिला है। उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक मयंक तिवारी, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता है, के घर पर उज्जैन पुलिस ने दबिश मारी और दबिश के दौरान उज्जैन पुलिस को सफलता मिली है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।